ये जो प्रिंट और मैन्युफैक्चरर क्यों प्रिंट करते हैं, क्योंकि उनको उनकी दवा बेचना है और उस पर सिलिंग एक्ट तो है नहीं, तो वो बोलते हैं कि मेरा क्या जाता है, मेरा ज़्यादा रेट रखने से अगर मेरी दवा ज़्यादा बिकती है तो MRP मनमाने वो रेट से MRP प्रिंट कर देते हैं। मगर ज़्यादा MRP प्रिंट करने से हम गवर्नमेंट की तरफ से कोई उसके ऊपर एक्शन नहीं होती है, क्योंकि वो MRP पे बेचते हैं। तो इसमें गवर्नमेंट का को रेवेन्यू का लॉस होता है और जो पब्लिक को 100 रुपये की दवाई 4000 रुपये में पब्लिक खरीदती है, तो आज के तारीख में पब्लिक का बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। कम से कम 12 से 15 लाख करोड़ का पब्लिक का नुकसान हो रहा है और गवर्नमेंट को कोई फायदा नहीं हो रहा है। तो इसलिए मैंने गवर्नमेंट को सुझाव दिया कि आप इस पर ट्रेड मार्जिन कैप लगा दो। अगर मैन्युफैक्चरर 100 रुपये में दवाई बेचता है तो उस पर होलसेलर और रिटेल का मार्जिन 30%, 130 पे के ऊपर ऊपर प्रिंट नहीं होना चाहिए। तो इसके लिए मैंने एक साल से पूरे कंपनियों के प्राइजेस सिम्प्ला, एमकोर, एबॉट, वॉकआउट, ये सब बड़े लीडिंग कंपनी के पूरे प्राइस लिस्ट मैंने गवर्नमेंट को सबमिट किया। उनके प्राइस लिस्ट पे गवर्नमेंट को बताया, वेंकैया नायडू जी के थ्रू, JP नड्डा जी के थ्रू, सदानंद गौड़ा जी के थ्रू, सेक्रेटरी फार्मा सेक्रेटरी के थ्रू ये बात, और मेरे शस्त्रबुद्धे जी के थ्रू और श्याम जाजू के थ्रू ये बात प्राइम मिनिस्टर तक मैंने पहुँचाई और प्राइम मिनिस्टर ने इसके ऊपर एक्शन ली। सेक्रेटरी कंसर्न PMO ऑफिस से सेक्रेटरी के तरफ ये इन्फॉर्मेशन गया और सेक्रेटरी लोगों ने एज ए ट्रायल बेसिस पर कैंसर के ड्रग पर ट्रेड मार्जिन कैप ला लिया। देखिए, सिर्फ ट्रेड मार्जिन कैप लाने से कैंसर की दवाएं 87% सस्ती हो गई। इसमें ना ही मैन्युफैक्चरर का नुकसान हुआ, ना ही होलसेलर का हुआ, ना ही गवर्नमेंट का हुआ, मगर पब्लिक को 87% सस्ता मिली। आज जो क्यूमो का इंजेक्शन है कैंसर के ड्रग्स का, वो 1 लाख का इंजेक्शन आपको 10,000 में मिल रहा है, तो लोगों को फायदा होगा। आज के तारीख में हर गरीब के घर में जो 10-15 हज़ार की नौकरी करता है या लेबर क्लास है, उनके घर में सीनियर लोग हैं, बूढ़े लोग हैं, कोई बीमार है, कोई कैंसर से पीड़ित है, कोई लीवर से पीड़ित है, उनके घर में खर्चा जो राशन का है 300 रुपये में राशन महीने भर का आ जाता है। गवर्नमेंट ने पूरा ख्याल राशन पे दिया, मेडिसिन पे नहीं दिया, मगर मेडिसिन उसके घर में 10,000 की आती है, 8,000 की आती है हर महीने में। तो वो लोग जब मेडिसिन का नाम आती है कि कोई पैसे खर्च करने में कमी नहीं करता है, चाहे उधार लाओ, चाहे गोल्ड गिरवी रखो, चाहे प्रॉपर्टी गिरवी रखो, चाहे अपना इवन मंगलसूत्र बेच के भी दवाई खरीदते हैं। ये दवाई खरीदने की वजह से सब लोग बर्बाद हो रहे हैं, कंगाली की ओर जा रहे हैं, कर्जा हो रहा है, उससे चोरी चपाटी भी बढ़ रही है। तो मैंने गवर्नमेंट को बताया कि आपका तो नुकसान नहीं है, मैन्युफैक्चरर का नुकसान नहीं है, फिर इस पर आप ट्रेड मार्जिन क्यों नहीं लगाते। तो गवर्नमेंट ने बोला कि हम इस पर शुरुआत में कैंसर ड्रग पर ट्रेड मार्जिन कैप लगा देंगे, तो उन्होंने कैंसर पे 30% ट्रेड मार्जिन कैप लगा दिया। 8 मार्च 2019 से कैंसर के सारी दवाएं 87% तक सस्ती हो गई है। आपने बताया कि बड़ी बीमारी के ऊपर तो चलो ट्रेड कैप लगा दिया गया है, लेकिन जो आम तौर पर छोटा बुखार हो जाता है गरीब घरों में, उसके ऊपर अभी कैपिंग नहीं है, तो परेशानी तो आज का मीटिंग का वही मसला है। नॉर्मल लोगों के लिए अभी क्या हो रहा है? तो मैं क्या बता रहा हूँ, कैंसर एक ही बड़ी बीमारी नहीं है, हार्ट की है, लीवर की है, किडनी की है, कई दूसरी बड़ी बीमारियां हैं, मगर मैंने इन्होंने कैंसर पे किया है। आज का मीटिंग का उद्देश्य वो था कि कैंसर पे आपने कर दिए, आप सक्सेस हो गए हैं, आप बाकी सभी मेडिसिन पर, लाइफ सेविंग ड्रग्स पर और डिवाइसेस पर आप 30% ट्रेड मार्जिन लाइए, आपका कोई नुकसान नहीं है, मैन्युफैक्चरर का नुकसान नहीं है, और ऑल इंडिया ड्रगिस्ट एंड केमिस्ट एसोसिएशन ने लेटर भी दिया है कि आप इस पर करिए काम, ट्रेड मार्जिन कैप लगा दिए, और जो इंटरनेशनल कंपनीज है उन्होंने भी लेटर दे दिया है कि हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। तो अब गवर्नमेंट के लिए आसान हो गया। मैं अभी 3 दिन से वेंकैया नायडू जी से मिला, शस्त्रबुद्धे जी को मिला, सेक्रेटरी जी से 2 बार बात हुई, 2 बार लंबा डिस्कशन हुआ, तो मिस्टर वाघेला जी, तो अब उन्होंने बोला कि हम इसके ऊपर विचार कर रहे हैं, जल्द ही इसके ऊपर लाएंगे, मगर इसका आपके माध्यम से
गवर्नमेंट पे और प्रेशर बनाए ताकि गवर्नमेंट जल्द से जल्द करेंगे ताकि 130 करोड़ लोगों का इसमें लाभ होगा। सर सरकार जो है देश में जेनरिक मेडिसिन के रूप में रखी है उसमें हर जगह जो है उपलब्ध दवा जो है कम मात्रा में हो रही है, इसका कारण क्या है? आपकी बात बिल्कुल सही है, गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया है। प्रधानमंत्री जो जनौषधि, जो गवर्नमेंट की प्रधानमंत्री जनौषधि दवाई है, वो जब कोई दवाई खरीदता है और डॉक्टर के पास लेके जाता है तो डॉक्टर वो दवाई को फेंक देता है, वो बोलता है कि वो कंट्रोल शॉप की दवाई है। तो मैंने इसके लिए कई मीटिंग्स लिए हैं, कई लोगों को गाइड किया है, कई लोगों को बताया है। आज की तारीख में सबसे अच्छी दवाई है प्रधानमंत्री जनौषधि, गुणवत्ता की दृष्टि से वो नंबर वन है। क्यों है कि वो WHO मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में मैन्युफैक्चरिंग करते हैं और दो लेबोरेटरी में टेस्ट करते हैं, इसलिए वो दवा अच्छी है। और वो दवा जो मार्केट में जो दवा मिलती है, समझा आप जैसा पूछे पैरासीटामोल, अगर आप पैरासीटामोल आप 10% या 15% में प्रधानमंत्री जनौषधि शॉप में मिलती है। तो मैंने गवर्नमेंट को यही बताया कि जब प्रधान तुम इतनी अच्छी स्टैंडर्ड दवाई, इतनी अच्छी दवाई आप 10-15% में या 80-90% सस्ती आप दे सकते हैं तो सभी ये मैन्युफैक्चरर भी दे सकते हैं। तो आप इसके ऊपर ट्रेड मार्जिन क्या आप लगा दो, तो जो आज जो आप भाई साहब ने जो बताया कि दवाई पूरी सारी मिलती नहीं है, क्योंकि अभी ये प्रधानमंत्री जनौषधि जो बनाए हैं सारी दवाई बनाने में इनको अभी थोड़ा समय लगेगा। तो मैंने यही सुझाव दिया कि आप करते रहिए, साथ साथ में ट्रेड मार्जिन क्या आप लगा दो, तो प्रधानमंत्री जनौषधि का जो रेट है, जो रेट में दवाई मिल रही है उसके करीबन नज़दीक में आप सभी दुकानों पर दवाई मिलना चालू हो जाएंगे। इसमें देश के लोगों का फायदा होगा, प्रधानमंत्री जनौषधि का पूरा प्रचार और प्रसार होने में और इतने बड़े संख्या में उसके शॉप खुलने में समय लगेगा। ये सिंपल काम है, अब ट्रेड मार्जिन का आप लगा दो, सब दवाएं सस्ते हो जाएंगे। लेकिन सर सरकार अस्पताल में जो डॉक्टर है तो बाहरी दवा लिखते हैं, तो वही बता रहा हूँ, ये लोगों को कल्पना नहीं है, गवर्नमेंट को हाईलाइट करना पड़ेगा। अभी जो जेनरिक के रेट है, जेनरिक के रेट में सरकार के आदमी ही जब उसको नहीं फॉलो कर रहे हैं, आम आदमी क्या फॉलो करेगा? मैं क्या बता रहा हूँ, इसलिए मैंने आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि जेनरिक मेडिसिन और ब्रांडेड मेडिसिन में कोई फर्क नहीं है, दोनों में भी ब्रांडेड है। अब कोई दुकानदार भी समझ नहीं सकता कि जेनरिक कौन सी है, ब्रांडेड कौन सी है, और गवर्नमेंट बोलती है जेनरिक खरीदो तो उसमें कोई फर्क ही नहीं है, तो क्यों रखते हो अलग अलग? जेनरिक और ब्रांडेड दोनों भी सेम कर दो, जेनरिक पे भी ब्रांड नेम है तो लोगों को तो नुकसान हो रहा। और एक बात बता दूं मैं आपको, जो जेनरिक मेडिसिन के कुछ जेनरिक मेडिसिन के रेट भी ब्रांडेड मेडिसिन से भी ज़्यादा है। तो गवर्नमेंट को ये बताना पड़ेगा कि ट्रेड मार्जिन कैप लगाने से जेनरिक के रेट कम हो जाएंगे। और मैंने उसमें एक पॉइंट बोला, जब ये जेनरिक रेट जब भी जेनरिक शॉप जब भी सक्सेस होंगे, जब डॉक्टरों को आप कंपल्शन करेंगे कि जेनरिक नाम लिखो, कैपिटल में लिखो, नहीं लिखते हैं तो उसको पनिशमेंट दो उनको, तो क्या होगा, दोनों साथ साथ में चलेंगे तो सक्सेस स्टोरी सक्सेस होगा, लोगों को फायदा होगा। सर क्या कारण हो सकता है कि जेनरिक दवाई ना लिख करके अंग्रेजी दवाओं को ही प्रेफर करते हैं डॉक्टर भी? अंग्रेजी दवा और वो दवा नहीं है, दोनों एक ही है, कोई फर्क नहीं हो, समझ में नहीं आ रहा। रेट में तो जमीन आसमान रेट में है, जेनरिक में भी रेट में अभी आपको बताया ना, जेनरिक के रेट में ब्रांडेड के बराबर ही है। जेनरिक मेडिसिन बेस्ट, कोई उसमें वो इशू नहीं है। रेट का अंतर जो है वो रेट का अंतर भी नहीं है, वही तो बता रहा हूँ मैं अभी, तो बताओ मैंने अभी, गवर्नमेंट बोलती है जेनरिक खरीदो, जेनरिक के रेट भी ज्यादा है, रेट सस्ते हैं जनऔषधि। आप समझ लो, डिफरेंस समझ लो, लोगों को समझ में नहीं आ रहा जेनरिक जनऔषधि में डिफरेंस होगा। जनऔषधि सस्ती है, जेनरिक भी सस्ती है, मगर MRP उस पर ज्यादा है, MRP पे कंट्रोल कर दिया तो जेनरिक मेडिसिन भी सस्ती हो जाएगी। प्रॉफिट भी ये लेते हैं कॉर्पोरेट हॉस्पिटल वाले, डॉक्टर और मेडिकल शॉप जो अटैच है उनको फायदा होता है। इसको कंट्रोल कैसे किया जाए? इसके कंट्रोल करने का एक ही माध्यम है, ट्रेड मार्जिन कैप लगा दो, कंट्रोल हो जाएगा। एक सिंपल फार्मूला, छोटी सी बात है मगर इसका रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा, और गवर्नमेंट जल्दी करेगी तो गवर्नमेंट की इसमें बहुत वाहवाही होगी और गवर्नमेंट को इसका बेनिफिट मिलेगा।
अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।